हेलो यूट्यूब मैन, वेलकम टू टेक्निकल अलाइव यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जुनेद अहमद और आप देख रहे हैं टेक्निकल अलाइव यूट्यूब चैनल। तो यार, जैसा कि अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी के साथ अपने फेसबुक को कैसे लिंक कर सकते हैं। अगर आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप इजीली मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। पर आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी से फेसबुक को रिमूव कैसे कर सकते हैं, कैसे उसे अलग कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम की आईडी अलग हो जाए, फेसबुक की आईडी अलग हो जाए। तो इस आसान तरीके को जानने के लिए आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। कहीं से भी वीडियो को स्किप या फॉरवर्ड नहीं करना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इंस्टाग्राम आईडी से फेसबुक आईडी को रिमूव करने का तरीका आप दोस्तों को बताने के लिए मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। और स्टेप नंबर वन है कि आपने अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद कॉर्नर पर जो आपको आपकी आईडी का लोगो दिखाई देता है, आपने वहां पर क्लिक करना है। और यहां पर क्लिक करने के बाद आपने थ्री लाइंस पे क्लिक करना है कॉर्नर पर। आपने यहां पर क्लिक करने के बाद सेटिंग्स एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर अकाउंट सेंटर का ऑप्शन आता है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं कि दो प्रोफाइल शो हो रही हैं, एक इंस्टाग्राम की और एक फेसबुक की। मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा कि जो मेरी ऑफिशियल इंस्टाग्राम की आईडी है वो शो हो रही है, उसके बाद जो मैंने लिंक कर रखा है फेसबुक को अपनी इंस्टाग्राम आईडी के साथ वो शो हो रही है। इसमें से हम रिमूव करेंगे फेसबुक को, तो हम इसे करते हैं बैक। और बैक करने के बाद आपने अकाउंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जैसे ही फेसबुक वाली आईडी पे रिमूव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपकी फेसबुक आईडी जो है वो यहाँ पर रीज़न मांगेगा रिमूव अकाउंट। तो यहाँ पर आपने इसे रिमूव के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर वो एक बार फिर से पूछता है कि योर फेसबुक अकाउंट विल बी रिमूव फ्रॉम योर अकाउंट सेंटर। तो आपने यस यहाँ पर रिमूव करना है। और रिमूव के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो रिमूव हो जाएगा आपकी इंस्टाग्राम आईडी से। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो से एक प्रोफाइल हो चुकी है, यानी कि आपकी इंस्टाग्राम आईडी से फेसबुक रिमूव हो चुका है। अब आप इजीली इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं, अपनी इंस्टाग्राम आईडी को यूज़ कर सकते हैं। वेल, यही आज की हमारी छोटी सी वीडियो का टॉपिक था, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि इंस्टाग्राम आईडी से फेसबुक आईडी को रिमूव कैसे करते हैं। मज़ीद आपके माइंड में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।